हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, टीम के द्वारा लोअर मेंस के फुल जो है कोर्स को लेकर के क्लासेस का प्रारंभ किया जा रहा है, उसमें डेमो लेक्चर के तौर पर मैं आपके सामने आज हाजिर हूँ। जो विषय मैं आपको पढ़ाऊंगा वह है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप सभी के विषय में है, मतलब पाठ्यक्रम में है, जो लोअर मेंस के पाठ्यक्रम में है, तो यहीं पर हमें इसे पूरा बहुत विधिवत ढंग से कवर करना है। आज का हमारा जो लेक्चर है यह डेमो लेक्चर है, यानी कैसे कैसे हम परीक्षाओं आपके इस पूरे कोर्स में पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, उन्हीं सभी पर मुझे परिचर्चा आज करनी है। तो इसमें दो तीन जो बातें हैं उन सभी को लेकर मैं चलूंगा। ये फुल कोर्स है, उसी के अंतर्गत आपको डेमो लेक्चर दिया जा रहा है। अभी भी जो लोग मतलब एडमिशन लेना चाहे, एडमिशन ओपन है। डेमो आपको इसीलिए दिया जा रहा है कि आप टीचर्स को पढ़ाने की जो शैली है उसको देखिए, आपका जो भविष्य है जिसके लिए आप लगे हुए हैं वह टीम के द्वारा कितना आप जो है सुरक्षित समझ रहे हैं, एक मार्गदर्शित टीम और एक बेहतर रणनीति के साथ आप सभी के समक्ष उतरी है, उसी में आज आपके सामने शुरुआत कर रहा हूं। इंडियन पॉलिटी में सबसे पहला जो आपका टॉपिक होता है उस टॉपिक को लेकर के, क्योंकि लोअर में अगर देखा जाए जो आपका मेंस का सिलेबस है, मेंस के सिलेबस में आप सभी ने देखा होगा कि इसमें अगर मैं लोअर को लेकर के प्रीलिम्स की बात करूं, ठीक है, लोअर प्री की अगर मैं परीक्षा की बात करता हूं, इसमें प्री और मेंस का दोनों का पाठ्यक्रम आपका एक है। बस मेंस में इसने यह लिख रखा है कि प्रश्नों का जो स्तर होगा वह थोड़ा सा आपका उच्च होगा। तो यहां पर जो हमें कवर करने की रणनीति होनी चाहिए, यहां पर हम लोअर मेंस को लेकर के आपके जो टारगेट हमारा होगा कि मैं कहां तक आपके सारे विषयों को कवर कराऊंगा लोअर मेंस में, तो मैं तीन क्षेत्रों पर आपके जो है विधिवत परिचर्चा यहां पर होगी। मतलब हम 3D एक तरीके से यहां पर वर्क करेंगे, 3D मतलब 3 dimensions को कवर करेंगे, कैसे कैसे लोअर मेंस को लेकर, क्योंकि उसने लिखा है प्रश्नों का स्तर उच्च होगा। पहली चीज ये होगी कि हम UP SSSC के पैटर्न को देखते हुए कि UP SSSC ने अभी तक ग्रेजुएट लेवल की जो परीक्षाएं करवाई हैं, उन ग्रेजुएट लेवल की परीक्षाओं में उसने प्रश्नों को किस स्तर तक पूछा है, पहली चीज ये कवर करेंगे हम लोग सारे लोग, क्योंकि इसमें उसने लिख रखा है कि प्रश्नों का स्तर जो होगा वो थोड़ा उच्च होगा, ठीक है। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि अभी तक ये परीक्षा चूंकि UPSSC के द्वारा आयोजित कराई जाती थी लोअर की, तो लोअर में वहां कैसे आपके क्वेश्चंस पूछता था GS से संबंधित, हम कि हर एक विषय में जो आपकी फैकल्टी होगी सभी का यही टारगेट है कि हम इन दोनों को साथ साथ कवर करेंगे। तीसरी चीज इसमें जैसे लोअर तो रहता ही रहता था, साथ ही साथ RO AR O की परीक्षा जो आपकी होती है उसको भी इसी के अंतर्गत लाएंगे, क्योंकि UDA की परीक्षाओं तक का आपका सिलेबस रहता ही रहता है। और तीसरा जो इसमें डायमेंशन जाएगा वो ये देखेंगे कि UP SSSC ने जो प्रीवियस ईयर आपके लोअर से संबंधित आपकी भर्ती करवाई है, वह मतलब जो आप लोअर 2 के तौर पर जानते हैं उसमें कहां तक इसने पूरा का पूरा टारगेट अपना रखा था, उन चीजों को भी हम लोग यहां कवर करेंगे। तो UP SSSC का जो लोअर 2 का पैटर्न रहा है, ठीक है, इनको देखते हुए मतलब 3 dimensions UP SSSC आज का जो फॉर्मेशन है इस पर, जो पुराना फॉर्मेशन था उसमें इसने प्रश्नों को कैसे पूछा उस पर, और UPPCS जब लोअर को करवाता था तो लोअर के अंतर्गत उसने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, इन चीजों पर, इन तीन क्षेत्रों को हम लोग विधिवत कवर करेंगे अपने विषय के अंतर्गत। तो आज उसी में मैं हूं। इन सभी को शुरुआत करने से पहले एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, लोअर प्री की जो आपको परीक्षा हुई लोअर प्री वाली, इस लोअर प्री की परीक्षा में 50 questions आपके GS से थे, ठीक है, जो 50 questions आए थे, इन 50 questions में अगर देखा जाए तो पॉलिटी से संबंधित जो आपके क्वेश्चन है इनकी संख्या सेट ए से लेकर जो डी तक भिन्न भिन्न सेट रहे, ए करके ए डी करके इस टाइप से जो रहा, इसमें आपके हर एक जो आपका मतलब पेपर रहा उसमें 4 questions आपको देखने को मिले हैं वह पॉलिटी से थे। अब मेंस की अगर बात करें, इन 4 questions में उसने अलग अलग आयामों को कवर किया था, राज्य सरकार से संबंधित सभी में सवाल थे, ठीक है, इन चारों पेपरों में आपको राज्य से संबंधित सवाल मिलेंगे, भाग 3 भाग 4 से सवाल थे, और सभी में एक जो कॉमन चीज मिली वो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से सवाल सभी में मिले हैं। तो हमें उन्हीं को आज मैं पहले चैप्टर के तौर पर आपका शुरुआत करूंगा। दूसरी चीज
इसमें जो है अब चूंकि मेंस आपका जो होना है, मेंस में जो आपके क्वेश्चंस हैं या क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई है, अब मेंस में आपको 75 क्वेश्चन जीएस के तौर पर मिलेंगे। इन 75 क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है, तय करना है, इसमें सबसे ज्यादा जैसे मैथ्स और रीजनिंग जो आपका पार्ट है वह प्रैक्टिस मांग रही, उसके लिए हम फुल कोर्स के अंतर्गत आपको डेली बेसिस पर क्लासेज उपलब्ध करवाएंगे, मतलब टेस्ट उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन यहां पर जो क्लासेज हैं उन क्लासेज में हमारा ध्येय यह है कि आपको हम उन सारे तथ्यों से अवगत करा देंगे कि जो कि आपकी इस परीक्षा के दृष्टिगत उच्च से उच्च स्तर तक हो सकता है। मेरा यह प्रयास होगा कि पॉलिटी विषय से संबंधित आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से संबंधित जो जो आपके विशेष स्तर आपके प्रश्नों का स्तर हो, वह प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा अपने आप में उच्च स्तर को भी कवर करता हो, उस आधार पर पूरी चीजें होंगी। ठीक है, तो इसी चीज को डेली बेसिस पर आपकी होंगी। आज पहला क्वेश्चन है, तो इसमें मेंस को लेकर के अगर मैं देखूं आपसे परिचर्चा करूं जो हमारा है, देखो यहां जब 50 क्वेश्चन थे तो क्वेश्चन की संख्या 4 थी पॉलिटी से लेकर के, किसी किसी में 5 भी रही जो आपका अंतिम वाला रहा। लेकिन यहां 75 पर जो अब अनुमान बनता है, चूंकि पॉलिटी का सिलेबस भैया बदलता कभी नहीं है, हाँ बीच में एक आध संशोधन होते हैं तो उन संशोधनों को हम पढ़ लेते हैं बस, लेकिन और आपके जो तथ्य होते हैं उनमें जैसे इतिहास भी है वैसे भी पूरा का पूरा फैक्ट है जो चीजें हमें पढ़नी है पॉलिटी में है। इकोनॉमिक्स होगी वो आपका करेंट से रिलेटेड मुद्दा है, ठीक है, बेसिक भी आपको चीजें जाननी होंगी, उसके लिए सारी चीजें हैं, सुविधाएं आपको मिलेंगी। यहां पर अगर बात करें कि मेंस में पॉलिटी को लेकर के कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक, संभावना कैसे है, उस अनुसार हम अपनी रणनीति बनाते हैं, क्योंकि हर एक विषय और हर एक छात्र की अपनी एक रणनीति होती है, और बिना रणनीति के अगर आप कार्य करते हो तो फिर वही चीजें होती हैं कि जैसे खुले सागर में नाव चल रही, ठीक है, अब वो नाव जैसी हवा आई उस तरफ उसी रुख में वो चल देती है, अंत में पहुंचती है, लेकिन वह अंत आपका तब होता है जब बहुत ज्यादा उसके बीच में क्या हो जाए, ऐसी क्रियाएं हो जाए जो नकारात्मक जो है कहीं ना कहीं व्यवहार देती है। यहां पर हमें क्या करना है, सक्रिय ऊर्जा के साथ टीम के साथ आपको लगे रहना है। यहां पर जो कुछ आपको पढ़ाया जाएगा वह एग्जाम ओरिएंटेड होगा, मतलब हमारा जो लक्ष्य है वो ये चीजें हैं कि आपको ये बता देना। देखो सबसे पहली चीजें हैं जैसे इंडियन पॉलिटी छोटा सा चैप्टर आपका पॉइंट है, यहां से मेंस में लगभग जो मिनिमम आप नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 7 क्वेश्चन होने ही होने चाहिए, ठीक है, प्रीलिम्स के बेस पर मैं बता रहा हूं और SSSC के जो पेपर हुए उन आधारों पर। दूसरी चीज, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन तक जा सकते हैं, तो मेरा जो अनुमान है या 7 से लेकर 10 प्रश्न के बीच में आपका मेंस में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से आपके सवाल होंगे, तो 7 से 10 का बीच का ये जो दायरा है यह दायरा आपको कवर करने के लिए, चूंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे खून में बसी होती है, मतलब राजनीति आपको हमेशा, चाहे आप ठेले पर खड़े हो, ठीक है, वहां पर भी राजनीति की बात होती है, चाहे आप संसद के किसी सदन की लाइव जो है परिचर्चा देख रहे हो तो वहां पर भी राजनीति की बात होती है। दोनों के स्तर में फर्क यह होता है कि वहां कानून को जानने वाले बहस करते हैं और यहां कानून से बहुत जो ज्यादा दूर है वो लोग बहस करते हैं, तो इन्हीं दोनों चीजों को हमें समझते हुए आगे बढ़ना है। तो हमारा टारगेट इंडियन पॉलिटी से इस तरीके से मेरा टारगेट होगा आपको पढ़ाना कि मैं जितना आपको पढ़ाऊंगा उसको आपको विधिवत ढंग से पढ़ते रहना है, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएंगे, इस चीज की तो मैं आपको सैरिटी दिलाता हूं कि जितना मैं बता दूंगा, ठीक है, जैसे जैसे पॉइंट्स मैं आपको यहां पर कवर कराऊंगा साथ ही साथ जो आपको नोट्स मिलेगी उस नोट्स में और विधिवत सारी चीजों को कवर किया जाएगा, तो इससे बाहर कुछ नहीं होना है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आज इसी के परिपेक्ष में मैं आपके सामने सबसे पहला पार्ट शुरू कर रहा हूं जो आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको लेकर के वर्तमान जो हमारी भारतीय राजव्यवस्था है या आपकी राजव्यवस्था, ठीक है, या हमारी जो राजव्यवस्था है ये ऐसे नहीं है कि हमने अचानक से कोई सपना देखा और भारतीय संविधान का निर्माण कर दिया। हमने राजव्यवस्था को चलाने के लिए वर्तमान में पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली को अपनाया है। यह संसदीय प्रणाली कहीं एक दिन का प्रभाव नहीं है कि किसी एक दिन के प्रभाव से भारतीय वर्तमान जो शैली है इसको हमने अपना लिया शासन करने को। ये जो संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है ये जब हम पर अंग्रेज शासन के लिए आए तो अंग्रेजों ने यहां पर जब शासन करना प्रारंभ किया तो उन्होंने जैसे जैसे सुधार भारत देश में अपने प्रशासन को लेकर किया उन सारे तथ्यों को देखते हुए उन सारी चीजों से हम समझ लेते हुए अपने यहां राज व्यवस्था के प्रकार में पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट किया, हमने अंगीकृत किया, सीखा। विश्व के तमाम देशों से
भारतीय संविधान में बहुत अच्छी अच्छी चीजें ली गई हैं, उन सभी को हमें पढ़ना होगा आगे, ठीक है। तो जो राज व्यवस्था है अपने यहां, यह संसदीय प्रणाली पर है, और संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की, चूंकि जो संसद है वह वेस्टमिंस्टर नामक जगह पर है लंदन में, तो इसको वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री ये प्रणाली भी बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। संसदीय व्यवस्था तो बोलते ही बोलते हैं, इनके तमाम नाम है। तो आज हमें बात करना है इसी पर कि ये जो संसदीय प्रणाली है क्या एक ही दिन का परिणाम है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये ब्रिटिशर्स का लगभग जो 400 साल का शासन रहा, उन सभी का परिणाम हमारे इस सारी चीजों पर पड़ा है, जिनसे हमने भारतीय अपनी संसदीय व्यवस्था को अपने यहां शासन चलाने के लिए क्या किया, लागू किया है। इन्हीं को हमें आज बहुत विधिवत ढंग से समझना है। तो आज का जो आपका पहला पॉइंट स्टार्ट होने जा रहा है वह आपका क्या है, आज का आपका पहला जो पॉइंट है भैया यह है, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज का जो पहला चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर हम लोग बात करेंगे कि भारतीय जो आपकी संविधान बना, इस संविधान में क्या ऐतिहासिक पूरे के पूरे परिप्रेक्ष्य रहे, उन चीजों को हम समझेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान क्या ऐतिहासिक विकास, इनको आज हमें समझना है, बहुत ढंग से समझना है, ठीक है। तो बहुत कंसंट्रेट होकर मेरी बातों को सुनिएगा, इसमें तमाम ऐसी जानकारियां, क्योंकि यहां से प्रश्न लगातार बना है, और जहां आप देख लीजिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स उठा लीजिए, लोअर का पेपर देख लीजिए, उन सभी में इससे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आधार है जिसके आधार पर हमने अपनी संसदीय व्यवस्था को यहां कायम किया है, उन्हीं को हमें सीखना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको ये सारे लोग जानते होंगे कि 1600 की बात है, एक कंपनी, ठीक, 1600 ईस्वी में एक कंपनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी होता है, ठीक, इसका फॉर्मेशन जो है ब्रिटेन में होता है, और ये जो है भारत की ओर व्यापार करने के लिए या पूर्व की देशों की ओर व्यापार करने के लिए ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक जो है पत्र प्राप्त करती है, राजशाही पत्र, जिस पर यह स्पष्ट तौर पर लिखा होता है कि कंपनी को 15 वर्षों के व्यापार के लिए, ठीक, ये एक क्या दिया जाता है, वीजा दिया जाता है, और यह पूर्व देशों की ओर व्यापार कर सकती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में व्यापार के लिए आती है, तो सबसे पहले व्यापार इसने ऐसा नहीं था, यहां पर चूंकि राजशाही शासन था, मुगलों का उस समय टाइम पीरियड चल रहा था, तो भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले उसको क्या करने पड़े, यहां के जो राजा थे उनसे अनुमति प्राप्त करनी पड़ी कि हमें आपके यहां व्यापार करना है, तो हमें व्यापार की अनुमति दी जाए, इजाजत दी जाए। अंग्रेज जब व्यापार करने आते हैं 1600 ईस्वी में, हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी का इससे पहले भी नाम अलग अलग तरीके के थे, ऐसे ही ये कंपनी जब आपकी बनती है, तो 1600 में जब दिसंबर में इस पर इसके एक वीजा, एक तरीके से बोला जाए इसको, जब दिया गया, तो ये इसका फॉर्मेशन वैसे 1591 में ही हो जाता है, लंदन के कुछ व्यापारियों की यह कंपनी थी, इसमें साझेदार बहुत सारे लोग थे, ठीक है। इन्होंने यह प्रयास किया कि अगर ब्रिटिश राजघराने का हाथ हम पर लग जाएगा तो हमारी कंपनी किसी भी देश में क्या कर सकती है, आसानी से व्यापार कर सकती है, इसके लिए इन्होंने प्रयास किए थे, और वह प्रयास इनका सफल हुआ जब इनको यहां पर मिल गया। अब जब 1600 ईस्वी में, ठीक है, जो यहां पर पॉइंट आपका यह बनता है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जो ब्रिटेन की महारानी थी जिनका नाम था क्या, एलिजाबेथ प्रथम ने, ठीक है, क्या किया, एक जो है वीजा इसको प्रोवाइड किया इस ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप क्या कर सकते हैं, पूर्व की देशों की ओर जाकर के व्यापार कर सकते हैं। तो 1600 का चार्टर एक्ट सबसे पहले यह आया। हमें इस पूरे के पूरे बैकग्राउंड को समझने के लिए कुछ पार्ट में डिवाइड करके अध्ययन करना होता है। वो पार्ट आप कैसे बनाओगे, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से लेकर के जब यहां आती है व्यापार करना प्रारंभ करती है, तो ये धीरे धीरे 1773 तक अपने यहां, ठीक है, प्रशासनिक दखलंदाजी में भी जो है घुसती है। तो 1600 से लेकर के 1773 तक यह कंपनी व्यापार को स्थापित करने में, भारतीय राजाओं और वहां पर जो फ्रांसीसी कंपनी थी भारत में उस समय मौजूद थी, उससे तमाम इसके संघर्ष होते रहे, और अपने वर्चस्व को यह जाकर के 1773 यानी जो आपका 1764 बक्सर का युद्ध रहा, यहां से इसकी पूरी की पूरी दो युद्ध इससे पहले 1757 में जो आपका प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला के साथ,
प्लासी के युद्ध के बाद जब 64 का युद्ध बक्सर का हो जाता है तो वहीं से ये धीरे धीरे काबिज होने लगते हैं, क्योंकि इनको यहां पर जो संधि होती है बक्सर की संधि युद्ध जो है हारने के बाद, तो संधि में इनको तीन जो उस समय प्रेसिडेंसियां थी उनकी क्या की जाती है, इनको राजस्व की व्यवस्था इन्हें दे दी जाती है, यानी दीवानी वसूलने की जो कार्यवाही होती है वो इनको मिल जाता है। ठीक है, 64 का जैसे युद्ध होता है तो 73 तक तो कंपनी जैसे ही ये 64 के बाद 65 में जो आपकी संधि हुई थी, 65 में इस संधि के बाद जो है क्या प्रारंभ होता है कि यहां से चूंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, जो लोग विश्वासघात किए थे उस विश्वासघात के तौर पर उनको बंगाल का शासक बनाए। अब बंगाल का शासक जब बन गया, इनके मनमर्जी का बन गया, तो इन्होंने वहां से, आपने पढ़ा होगा कि तमाम ऐसे फरमान हैं, ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, जिनके द्वारा इन्होंने इतना कंपनी में भ्रष्टाचार हो गया कि क्या बताया जाए। कंपनी के जितने अधिकारी थे उनका सिर्फ ये रहा, चूंकि जब आपका बंगाल का शासन अंग्रेजों के हाथ में एक तरीके से आ गया, ये जो राजा रहा वो इनका कठपुतली बन गया, तो इन्होंने उससे तमाम ऐसे इतना पैसा लिया कि क्या बताया जाए। और कंपनी में धीरे धीरे 65 के बाद भ्रष्टाचार बहुत बढ़ता गया, तो 73 की बात है, 1773 में कंपनी ने क्या किया कि ब्रिटेन, जो ब्रिटेन के आपकी राजा रानी थे या संसद थी, उससे इन्होंने मांग किया कि कंपनी में व्यापार वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, राजस्व नहीं है। ठीक है, अब जब यह बात आई कि भाई कंपनी वहां व्यापार कर रही, कंपनी को जो है राजस्व है ही नहीं कि वेतन दे पाए, यानी कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत है, तो उस समय आपके ब्रिटेन में जो पीएम थे जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ ने एक कमिटी बनाई थी। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ उस समय ब्रिटेन के पीएम थे, इन्होंने एक कमिटी बनाई जिसको गुप्त समिति बोला जाता है, सेक्रेट कमिटी। ये कमिटी ने यहां पर आकर के वर्तमान दशा ईस्ट इंडिया कंपनी की देखी कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन दिया जाए या ना दिया जाए, मतलब प्री लोन को पास करने के लिए 1773 में एक जो है एक्ट की व्यवस्था की गई, और यहीं से क्या शुरू हो जाता है कि कंपनी पर अब संसदीय व्यवस्था का नियंत्रण सबसे पहले कहां से देखने को मिलता, वो है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा था कि जब 1600 की बात है, ठीक है, 1600 ईस्वी में दिसंबर में कंपनी को क्या होता है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक जो है पत्र मिलता है, उस पत्र पर उनकी साइन होती है कि कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापार के लिए पूर्व के देशों की ओर जाने की सौगात दी जाती है। उसके बाद 1600 का ये जो चार्टर रहा, ठीक है, इस चार्टर में यही चीजें सिर्फ रही, 1600 का जो चार्टर एक्ट रहा, चार्टर अधिनियम रहा। इसके बाद एक आपका आया था 1726 में, 1726 का ईस्वी का जो चार्टर एक्ट रहा, इस एक्ट के द्वारा जब ये 1600 में कंपनी बनी तो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे, ठीक है, निदेशक मंडल बना था, यह निदेशक मंडल लंदन में बैठता था जो कंपनी को निर्देश दिया करता था कि भारत में आपको कैसे कैसे व्यापार करना है। चूंकि उस समय ऐसी कोई भी व्यवस्था आपकी नहीं थी कि वहां से फोन पर बोला जाए कि आपको ऐसा करना है और यहां तुरंत लग जाए, भाई तार और उससे पहले अगर देखा जाए, तार तो इसके बाद में रहा पूरी चीजें, ठीक, उससे पहले वही चीजें थी कि चिट्ठी चलती थी और पानी के जहाज चलते थे, उसी के द्वारा बातचीत आदान प्रदान होती थी। तो भारत में चूंकि कंपनी 57 का युद्ध जीतती है, 64 का युद्ध जीतती है, तो यहां जैसे कंपनी प्रशासन में आती है, व्यापार से प्रशासन में कंपनी आने लगती है, वैसे ही क्या किया जाता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चूंकि सबसे पहले फैसले यही लेते थे, इन्होंने क्या किया, कंपनी जब आपकी आई थी तो कंपनी में उस समय, ठीक है, 24 जो है सदस्य थे और इनके ऊपर एक जो है गवर्नर बैठा था। यही गवर्नर क्या करता था, इस गवर्नर को ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निर्देश देते थे कि कंपनी ऐसे चलेगी। तो कंपनी का जो गवर्नर था और 24 सदस्य थे, यहां कार्य करने के लिए जब ऐसा देखा गया कि विचारों के आदान प्रदान में किसी संदेश को भेजने में बड़ी दिक्कत हो रही, तो 1726 के चार्टर एक्ट में जो बीओडी थी, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे,
इन्होंने गवर्नर और उसकी परिषद जो थी उसको कंपनी से संबंधित भारत में जो भी फैसले लेने थे इसका अधिकार दे दिया कि भैया आप वहां पर हैं, तत्काल रूप से जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है उस अनुसार आप फैसले ले सकते हैं। तो 1726 में सिर्फ इतना किया गया। इसके बाद मैंने बताया कि 57 का युद्ध होता है प्लासी का नवाब सिराजुद्दौला, चूंकि इनकी जो नजर थी इनकी नजर तटीय क्षेत्रों पर ही ज्यादा थी, अंग्रेजों की जो अपने तटीय प्रदेश थे यहीं पर इनकी ज्यादा नजर थी कि हमें बंगाल सबसे पहले इनके दिमाग में था, और ऐसे ही ये नीचे नीचे ठीक है पूरा का पूरा ये इन्हीं तटों पर ज्यादा फोकस थे ठीक, क्योंकि भैया पहले तो जलमार्ग ही पूरा जो है व्यवस्थाएं थी, जलमार्ग से आना जाना ही होता था, व्यापार इसी से पूरी तरीके से चलता था। अब क्या होता है कि जब जो है 64 का युद्ध ये जीतते हैं, 65 में संधि होती है, तो 65 में संधि के बाद जब इनको तीन प्रेसिडेंसियों की क्या मिल जाती है, इनको राजस्व वसूलने का कार्य मिल जाता है, यह संधि के अंतर्गत मिला था, तो वहीं से यह कंपनी प्रशासन में शुरू होती है और 65 से लेकर के 1765 से लेकर के 73 तक ऐसी स्थिति आ जाती है कि यह कंपनी अपने आप में दिवालिया हो जाती है। मतलब इसको ब्रिटेन के जो है राजा रानी से लोन मांगना पड़ता है और उस लोन के अप्रूवल के लिए प्री लोन ठीक है के लिए क्या किया जाता है, ब्रिटेन के उस समय जो पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ जिनका नाम था, उन्होंने क्या किया एक सेक्रेट कमिटी बनाई कि किसी को पता ना चले, उसने आकर के इस कंपनी के हालात को देखा, फिर वापस जब उन्हें रिपोर्ट मिली तो उस पर 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया ठीक है। तो कंपनी का जो हमें ये एक तरीके से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना होता है, अब यहीं से हम दो विभाजन करते हैं कैसे, हम पर दो लोगों ने शासन किया। सबसे पहले जो ये कंपनी आई इस कंपनी का शासन रहा भारत में ठीक है, तो कंपनी का शासन जब चलना प्रारंभ हुआ, और दूसरा कंपनी के शासन के पास हम ब्रिटिश क्राउन के या ब्रिटिश ताज के गुलाम हो गए ठीक है, ब्रिटिश ताज के अधीन जो है शासन चला। तो इन दोनों को हमें समझना है, कंपनी का जो शासन रहा यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होता है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया यहीं से कंपनी का शासन प्रारंभ होता है। 73 के बाद इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रहा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया इसके बाद ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट इसमें रहा। इसके बाद 84 के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं उन्हीं पर चर्चा आपसे कर रहा हूं। इसके बाद 1813 का आपका चार्टर एक्ट रहा ठीक है, इस 1813 के चार्टर एक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें 1813 के बाद 1833 में एक चार्टर एक्ट आया था जिसके द्वारा कंपनी को क्या किया गया था, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को व्यापारिक अधिकार को ही समाप्त किया गया था ठीक। उसके बाद 33 के बाद आपका जो है 1853 का एक चार्टर एक्ट रहा। इतनी चीजें हमें पढ़नी पड़ती हैं किसके अंतर्गत, इतनी चीजें पढ़नी पड़ती हैं कंपनी के शासन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है। इनके बीच में और चीजें हैं जो आपके सामने मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो जितना महत्वपूर्ण होंगे अभी बीच में उनका डिस्कशन हो जाएगा। मतलब इतनी चीजें आपकी हैं जो कंपनी के शासन के अंतर्गत ये ब्रिटेन की संसद पारित करती थी कंपनी के लिए। अब जब 57 में विद्रोह होता है तो 57 में विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटेन की जो आपकी संसद थी, ब्रिटेन की राजा रानी थे, उन्होंने सीधा ठीक कंपनी के शासन या भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया। अब हम पर यहां से ब्रिटिश क्राउन का जो है शासन शुरू हो जाता है। इसमें सबसे पहले 1858 का आपका चार्ट जो है भारत शासन अधिनियम रहा। अब यहीं से ये शासन अधिनियम कहे जाने लगते हैं, भारत शासन अधिनियम सबसे पहले आया। उसके बाद आपका 58 के बाद फिर 1909 का आपका जो है पारित होता है, जो है सबसे पहले मॉले मिंटो रिफॉर्म आता है 1909 में ठीक। 1909 में मॉले मिंटो रिफॉर्म के बाद इसमें 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार आता है, 1919 का मॉन्टेगू जो है चेम्सफोर्ड सुधार इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद 1919 के बाद फिर आपकी जो चीजें आती हैं ठीक, 1919 के बाद इसमें सबसे व्यापक जो प्रभाव छोड़ता है वह 1935 है ठीक है, 1935 है, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम रहा ठीक, ये कंपनी के अधीन आपका क्या हुआ पारित हुआ। और उसके बाद में सबसे लास्ट में जो आता है वो 1947 का आपका जो डिवीजन है विभाजन का जो आपका प्रस्ताव रहा, ये चीजें। तो इन दोनों जो मैंने जितने चार्टर एक्ट लिखे हैं
ये आप सभी को जानना होता है और यही हमें मुख्य रूप से पढ़ना होता है। तो हमारी पृष्ठभूमि जो है मतलब कंपनी के अधीन हम सबसे पहले क्या हुए, शासित हुए, उसके बाद हम ब्रिटिश ताज के अधीन शासित हुए, इन दोनों को अलग अलग पार्ट में हम लोग बहुत विधिवत समझते हैं, इन्हीं को हमें जानना होता है। ठीक है, तो 1600 और 1600 के बाद 1726 वाला जो राज लिख रहा, इन दोनों को पढ़ने के बाद अब हम बढ़ते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, अब आप हेडिंग डाल सकते हैं कि कंपनी का शासन, और उसमें सबसे पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो अब इस पर हम लोग परिचर्चा शुरू करते हैं। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट रहा, ठीक है, ये जो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, अब रेगुलेटिंग मतलब नियंत्रण करना रहा। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सवाल जो बनते हैं वह बहुत सारे आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जो परीक्षाओं में इससे सीधा सीधा पूछे जाते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। ये जो आया, सबसे पहले मैंने बताया कि कंपनी इतना भ्रष्टाचार हो गया था कि ये क्या कह रही थी, लोन मांगी थी, उस लोन के अप्रूवल के लिए ब्रिटिश के पीएम कौन थे उस समय, पीएम ब्रिटेन के पीएम थे जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, इन्होंने एक कमिटी बनाई थी, लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त कमिटी बनाई, ठीक है, जिसको हम सेक्रेट कमिटी बोलते हैं, एक गुप्त समिति बनाई, और इस गुप्त समिति की अनुशंसा पर, इस गुप्त समिति की अनुशंसा पर, रिकमेंडेशन पर क्या हुआ जो है, यह आपका एक्ट पारित किया गया। गुप्त समिति की अनुशंसा पर, ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा जो बनाई गई थी उनकी अनुशंसा पर यह एक्ट पारित हुआ। और एक सवाल यहीं से पूछता है कि सर्वप्रथम कंपनी के ऊपर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के माध्यम से प्रारंभ किया गया, तो वह जवाब आपका क्या होगा, वह जवाब होगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो यहां पर एक पॉइंट आप यह भी डाल सकते हैं कि सर्वप्रथम कंपनी पर संसदीय नियंत्रण, कंपनी पर जो है संसदीय नियंत्रण प्रारंभ किया गया। संसदीय नियंत्रण यानी ब्रिटिश की जो आपकी मतलब जो ब्रिटेन की क्या है, संसद है, उसका नियंत्रण 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से यहां पर शुरू हुआ। उसके बाद क्या होता है कि जो गवर्नर आपकी एक तरीके से गवर्नर जनरल की परिषद थी, ठीक है, उस समय जो गवर्नर था, ठीक, उस गवर्नर को क्या किया जाता है, यहां पर गवर्नर को गवर्नर जनरल घोषित कर दिया जाता है। जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल घोषित किया जाता है, और गवर्नर जनरल के जो है सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का इससे निर्माण किया गया, 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। तो जो पहला गवर्नर जनरल ऐसा बना वह था आपका कौन, वॉरेन हेस्टिंग। पहला गवर्नर जनरल जो बना, यह सवाल पूछता है, ठीक है, यह आपका वॉरेन हेस्टिंग था, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहला गवर्नर जनरल कौन रहा, वॉरेन हेस्टिंग रहा। तो गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, जो गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई, इसको क्या किया गया, इसमें कौन कौन से व्यक्ति थे अगर इनको देखें तो, यानी इनमें जो 4 सदस्य रहे, जो आपका फिलिप फ्रांसिस था, कुलवेरिंग थे, मानसन थे और बर्नेल थे, इन 4 सदस्यों में क्या किया गया, ये 4 सदस्य आपके जो थे, ये पूरी की पूरी गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, और गवर्नर जनरल था ये इंग्लैंड में बैठे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, ये इंग्लैंड में बैठे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति उत्तरदायी थे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यहां से पहला जो आपका गवर्नर जनरल बना वह कौन बना, वह आपका वॉरेन हेस्टिंग रहा। तो पूछता है, ठीक, इन दोनों चीजों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये 4 सदस्यीय परिषद भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से एक बहुत बड़ा सुधार भी अपने यहां देखने को मिला है। वो सुधार क्या है, वर्तमान में जो न्यायपालिका देखते हैं इसकी शुरुआत वहीं से प्रारंभ की गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी के द्वारा की गई थी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हालांकि ये कब बनके तैयार हुई, ये 1774 में बनकर तैयार हुई थी, ठीक, सुप्रीम कोर्ट। और वहीं से चीजें धीरे धीरे, हालांकि जब आप 1935 पढ़ेंगे तो वहां पर जैसा कि इस समय संघीय न्यायालय चलता है, ये परिदृश्य वहां से प्रारंभ होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था थी ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से की गई। ठीक है, 74 में ये चीजें पूरी की पूरी आपके सामने क्या होती है,
आपको दिखाई देने लगती हैं। ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट रहा, सुप्रीम कोर्ट के उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे, जिसको हम सीजीआई बोल सकते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस समय जो थे वो एलिजा एम्पे थे। सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम एक तरीके से न्यायाधीश मान सकते हैं, उनका नाम एलिजा एम्पे था। बाकी इसमें अन्य सदस्य भी शामिल थे, उन सदस्यों को नहीं पूछता, लेकिन यह सवाल आपसे पूछ लेता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से की गई थी, तो वह 1773 का रहा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को, यह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कंपनी पर सबसे पहले संसदीय जो व्यवस्था रही, संसदीय जो आपकी एक तरीके से नियंत्रण रहा, वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया गया। उसके बाद इसी में क्या किया गया, इसी में यह चीजें जोड़ी गई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए ये जो गवर्नर जनरल है और उसकी परिषद है वो जवाबदेह बनेगी। ठीक है, क्योंकि अब सब कुछ इन्हीं के माध्यम से किया जाना था, सारी चीजें इन्हीं के माध्यम से की जानी थी। तो इन चीजों को यहां से बहुत बढ़िया तरीके से क्या किया गया, ब्रिटेन की संसद के द्वारा फॉर्म किया गया। तो जितने टाइप से यहां प्रश्न आपके बनते हैं वो सारे टाइप मैंने आपको बता दिए। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और इससे अगला जो आपका एक्ट मुख्य रूप से आता है, उस एक्ट को हम लोग जानते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट जो है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यह जो एक्ट आपका रहा, इस एक्ट में चूंकि नाम भी जुड़ा है पिट्स इंडिया एक्ट, यानी किसी व्यक्ति के विशेष जो है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति के विशेष मतलब क्रियाकलाप के द्वारा, मतलब क्या कैसे होना चाहिए उसके लिए यह एक्ट आपका पारित किया गया। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट रहा, इसका सबसे बड़ा प्रभाव जानते हैं क्या हुआ, इसका प्रभाव यह हुआ कि जो कंपनी अभी तक क्या कर रही थी, कंपनी व्यापार कर रही थी वो भी, ठीक है, जो व्यापार करती थी, व्यापार का कुछ भी होना है वो तो चल ही रहा था, इसके साथ ही साथ कंपनी जो शासन चला रही थी वो भी, सब कुछ, दोनों चीजें अभी तक जो देखने वाले व्यक्ति थे वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही थे। अब उसने क्या किया, कंपनी के व्यापार और कंपनी के शासन को, यानी एक तरीके से हम बोलें कि कंपनी की जो व्यापारिक गतिविधियां थी, ठीक है, कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां और कंपनी की जो राजनीतिक गतिविधियां थी, इन दोनों को उसने अलग कर दिया। कंपनी की जो राजनीतिक गतिविधियां थी इसको उसने क्या किया, अलग कर दिया। अब कंपनी में दोनों चीजें अलग अलग हो गई। जो व्यापारिक गतिविधि होनी थी, इसका पूरा का पूरा जो नियंत्रण था वह नियंत्रण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में इसने दिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही क्या करेंगे, व्यापारिक, चूंकि कंपनी जब व्यापार के लिए आई थी तब भी ये बने हुए थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और जो राजनीतिक गतिविधियां चलती थी इसके लिए इसने क्या किया, इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एक फॉर्म किया गया। 6 सदस्यीय जो आपकी यह समिति थी, इसमें क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया, यानी एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। तो यहां से सवाल सबसे पहला पूछता है कि किस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक जो क्रियाकलाप थे इनको अलग किया गया, तो वह आपकी क्या है, वह है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट में एक दूसरा सवाल यह पूछता है कि किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, ठीक है, बीओसी की स्थापना की गई या नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई, तो वो आपका कौन था, वो यही 1784 का आपका जो है पिट्स इंडिया एक्ट रहा। इस एक्ट में दो चीजें विशेष रूप से की गई थी। तीसरी जो बात यह लाई गई थी, चूंकि कंपनी में भ्रष्टाचार तो बढ़ ही बढ़ रहा था, यह किया गया कि कंपनी के किसी भी व्यक्ति को उपहार लेने और इन सारी चीजों के लिए प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, कंपनी के जो है सदस्यों पर, कंपनी के जो सदस्य थे, सदस्यों को, ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मान सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप किसी से आप कोई उपहार नहीं ले सकते। क्योंकि क्या हुआ कि जब यहां से सारे लोग, कंपनी यहां व्यापार करने लगी, यहां जो गवर्नर बन के आए या कंपनी के सदस्य के तौर पर आए, सब खूब पैसा कमा के जाए, ठीक, इतना यहां भ्रष्टाचार ये कर रहे थे, हर एक दूसरे राजाओं को लड़ा रहे थे, ठीक है, मुनाफा खूब होता ही होता था, और तमाम ऐसी प्रक्रियाएं उन्होंने कर ली थी कि जिसके द्वारा कंपनी को लगातार जो है भारी जो है मुनाफा होता था, और हर एक व्यक्ति क्या होता था, माला माल हो जा रहा था। इंग्लैंड में इन सारी चीजों को देखते हुए बड़ी जलन लोगों में हो रही थी,
यहां से जो लोग जाते थे अंग्रेज अफसर, इनको वहां के लोग क्या कहने लगे, बाबू कहने लगे। ये अपने यहां भारतीय क्या बोलते थे, बाबूजी बोलते थे ना, तो वहां पर उनको बाबूजी कहकर चिढ़ाया जाने लगा। बहुत सारी ऐसी चीजें की गई जिनके द्वारा क्या किया जाने लगा, वहां पर लगातार व्यापारियों के द्वारा सरकार पर दबाव बनाया जाने लगा कि सरकार क्या करे उनके लिए, सरकार उन्हें भी भारत में व्यापार करने की छूट दे। इसका बहुत भयंकर वहां पर विरोध भी झेलना पड़ा था। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, मजबूर तो होगी ही होगी, कंपनी चूंकि एकाधिकार था और यही कंपनी पूर्व के देश। अब हम बात करते हैं, ये तो 1784 हो गया, 1784 का आपका पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। इसी एक्ट के बाद अब चूंकि कंपनी की व्यापारी को जो गतिविधि थी और राजनीतिक गतिविधि थी, इन दोनों को जब अलग किया गया तो इसी एक्ट में यह महसूस किया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो बैठे ही बैठे हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर इनके लिए है, लेकिन ये दोनों जो सदस्य आपकी अलग अलग समितियां हैं, इनका काम तो क्या करना है, इसको निर्देश देना है कंपनी को कि ऐसे ऐसी चीजें आपको करनी है, ऐसी ऐसी गतिविधियां थी। क्योंकि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो थे, इसमें पूरा का पूरा किसका, राजा का ही हाथ था। जो 6 सदस्यों की इसमें नियुक्त होनी थी, वो सारी की सारी चीजें किसकी थी, राजा के हाथ में थी, ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत थी। अब इसके बाद इन्हीं चीजों को देखते हुए यह चीज समझ में आई कि जो गवर्नर जनरल है, उस गवर्नर जनरल को लेकर के क्या किया गया कि 1786 में एक फिर से आपका रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, वो चार्टर एक्ट पास किया गया। तो 1776 का 86 का जो चार्टर एक्ट आया, इसके माध्यम से सिर्फ एक व्यवस्था की गई, वो व्यवस्था ये की गई कि जो गवर्नर जनरल रहा इसको मुख्य सेनापति, जो आपका गवर्नर जनरल रहा इस गवर्नर जनरल को जो है मुख्य सेनापति, ठीक, और साथ ही साथ ठीक सेनापति तो बनाया ही बनाया गया, और जो यहां पर आपकी मतलब सेना से संबंधित थी और जो कंपनी से संबंधित थी, इन दोनों की शक्तियां किसको सौंप दी गई, वह 1786 के चार्टर एक्ट के माध्यम से किसको, गवर्नर जनरल को सौंप दी गई थी। इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात आई, मैंने बताया कि वहां पर इंग्लैंड में लगातार जब लोग यह देख रहे थे कि भारत पर पूरी तरीके से हमारा उपनिवेश बन गया है, कब्जा हो चुका है, तो लगातार लोग कोशिश कर रहे थे कि हमें क्या किया जाए, भारत में जाकर के व्यापार करने का मौका मिले, हमें भारत में जाकर के क्या, भारत में अपने धर्म का प्रसार करने का मौका मिले, चूंकि ये सारे लोग ऐसे ही कार्य करते थे। तो उसको लेकर के जब वहां बहुत भारी दबाव पड़ा तो एक एक्ट 1813 में पास होता है, ठीक है, 1813 का जो आपका चार्टर एक्ट रहा, इस एक्ट के माध्यम से यहां पर ब्रिटिश जो थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने भारत में धर्म में भी घुसना प्रारंभ कर दिया। तो 1813 के एक्ट के माध्यम से जो आपके ईसाई मिशनरी थे, ठीक है, मतलब जो धर्म परिवर्तन कराते थे, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई, भारत में आने की अनुमति प्रदान की गई। तो पहला प्रश्न आपका यहां से पूछता है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति किस एक्ट के माध्यम से दी गई, तो वह 1813 का आपका चार्टर एक्ट रहा। अब ईसाई तो आए यहां पर, वहां पर जो ब्रिटेन में चल रहा था लगातार जो रानी और राजा के ऊपर मतलब ये प्रेशर चल रहा था अन्य व्यापारिक वर्गों के द्वारा कि हमें भी भारत में क्या किया जाए, व्यापार करने की छूट दी जाए, तो अभी तक का क्या किया गया, एक और फैसला लिया गया कि इस कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, व्यापारिक जो एकाधिकार रहा इसको समाप्त कर दिया गया, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब ये दो बातें बहुत बड़ी चीज हो गई, इसी में एक आपका प्रावधान और रहा कि किस एक्ट के माध्यम से सर्वप्रथम भारत में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के शिक्षा पर व्यय करने के लिए, ठीक है, प्रावधान किया गया। तो इसी में प्रतिवर्ष जो है 1,00,000 रुपए, प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए, ठीक है, शिक्षा प्रणाली पर व्यय करने का यहां प्रावधान किया गया था इस एक्ट के माध्यम से, यह 1813 रहा। उसके बाद 1833 का एक्ट आता है, 1833 के एक्ट में क्या किया गया, 1833 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के माध्यम से जो इस कंपनी का व्यापारिक अधिकार था वह व्यापारिक अधिकार ही समाप्त कर दिया गया, इस बात को याद रखना है। यह सवाल दोनों आपके ऐसे पूछते हैं, ऐसा रिलेट करता है जहां से हम गलतियां कर बैठते हैं।
तो व्यापारिक जो अधिकार रहा कंपनी का, यह 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया गया, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, व्यापारिक अधिकार कंपनी का 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया गया और तब से यह कंपनी सिर्फ क्या रह गई, यह कंपनी सिर्फ यहां पर जो है शासन करने को लेकर रह गई। और जब केवल शासन करेगी तो 33 से लेकर 57 तक का जो आपका काल है यह बहुत लंबा गैप नहीं है। इसमें इतना ज्यादा इस कंपनी के द्वारा धीरे धीरे, एक तो आपके जितने आपके छोटे छोटे राज्य थे, प्रांत थे, इनको क्या किया गया, इनको अपने अधीन लिया जाना प्रारंभ किया गया, उन पर तमाम तरीके के नियंत्रण प्रारंभ हुए। इन सारी वजहों से क्या हुआ कि धीरे धीरे पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता चला गया और उसका परिणाम एक 1857 में आपको बहुत व्यापक क्रांति के माध्यम से देखने को मिलता है। जब 57 में क्रांति हो जाती है उसके बाद ब्रिटिश क्राउन सीधा सीधा क्या करती है, अपने हाथ में इस भारत के पूरे शासन को ले लेती है और 1858 से हम किसके, ब्रिटिश ताज के गुलाम हो जाते हैं। तो उम्मीद है जितनी चीजें मैंने आपको डिस्कस की उनसे बहुत सारे आपके प्रश्न जो है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद भी आपका बहुत विधिवत डिटेल चलेगा, आज तो यह डेमो के तौर पर था, इसके बाद भी आपकी बहुत व्यापक क्लासेस चलने वाली है। ठीक है, तो सारे लोग जो है ऐसे ही पूरी और व्यापक तौर पर जो है क्लासेस के लिए लोअर के मेंस प्रोग्राम से जुड़िए और अपनी जो है एक सीट इसमें मेंस में सुनिश्चित के लिए पूरी तरीके से आप निश्चिंत होकर के टीम के साथ जुड़िए। जो हमारे प्रयास हैं लगातार हम आपको बेस्ट से बेस्ट अपना देते रहेंगे। ऐसे ही आपको इसके आगे जब मेरी सीरीज आएगी तो उसमें मैं पूरी डिटेल क्लासेज और व्यापक तौर पर आपको इन सारी चीजों को पढ़ाऊंगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।